सलाम बंदन, आजाद भारत की आवाज़ और आप देख रहे हैं न्यूज न्यू इंडिया चैनल के साथ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, ईद का त्यौहार कल हुआ है। पूरे भारत में लोगों ने एक दूसरे को बधाई दी है। इस वक्त हम जनपद बहराइच की कैसरगंज तहसील से बिल्कुल जुड़ा हुआ ग्राम पंचायत ऐनी में हम मौजूद हैं और हमारे बीच में वरिष्ठ समाजसेवी फिरोज हसन साजू भैया बीच में मौजूद हैं। तो साजू भैया, इस चैनल की ओर से हम आपको ईद की बहुत बहुत बधाई देते हैं और आज आपने एक छोटी सी पार्टी करके काफ़ी लोगों को ईद पर एक दूसरे को फूल दे करके मुबारकबाद दिया है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हमारे जितने भी भाई यहाँ खड़े हुए हैं उनको ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत सारी मुबारकबाद। देखिए, ये ईद का जो त्यौहार है, एक प्यार का संदेश है। बिल्कुल, बेशक। बस उसी पैटर्न पे हम लोग चल रहे हैं कि एक प्यार का संदेश हमारे क्षेत्र में, हमारा स्वाद व्यवहार, हमारा जो इखलाक प्यार है वो आपस में बना रहे। ये हमारे जो है बड़े भाई हैं, ये हतिनसी के ठाकुर हैं और मैं ऐनी का फिरोज हसन हूँ। देखिए, ये ईद के त्यौहार पे कितना प्यार नज़र आ रहा है। बस इसी की ज़रूरत है हमारे हिंदुस्तान में, जिसको हम पुनः बस ये चाह रहे हैं कि ये बना रहे हमेशा। बस उसी की छोटी सी एक मुहिम है जो ईद के तौर पर ईद मनाते हैं हम लोग और मिठाई खिला के अब दिल मिलाते हैं और दिल मिलाते रहिए, बस यही सब। एक चीज़ और कहेंगे, अभी हमने दो एक दिन में खबर सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली कि क्षेत्र में आपने भ्रमण करके, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम, सभी के घरों में जाकर के आपने ईद की बधाई दी है, तो इस पे क्या कहेंगे? देखिए, हिंदू मुस्लिम तो मैं जानता नहीं, मैं बस एक चीज़ जानता हूँ, हम इंसान हैं और एक बेहतर इंसान बन के रहिए। हम क्षेत्र में जाते हैं और लोगों को मुबारक, उनके सुख दुख में रहते हैं, यही दिल को बड़ा सुकून मिलता है। जी, और कोई बात लास्ट में अपनी आप कहना चाहेंगे, साझा करना चाहेंगे? देखिए, ईद के मौके पर आपके चैनल के माध्यम से हम समाज को एक मैसेज देना चाहते हैं। जी, स्वागत है। कि जो भी माहौल बना रहे, जी, सरकारें आनी है जानी है, पार्टियां आनी जानी है, नेता आने हैं जाने हैं, लेकिन हम आवाम का प्यार, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, आपस में प्यार से रहे, इसी का नाम हिंदुस्तान है। एक हिंदुस्तान की खूबसूरती, इस खूबसूरती को हम आप सजाए रखें। बेशक, धन्यवाद। देखिए, अभी हमारे बीच में फिरोज हसन साजू भाई से मेरी बात हो रही थी और इन्होंने सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, जिलेवासियों को और इस तहसील के आसपास सभी ग्रामीण क्षेत्रों को इन्होंने ईद की बहुत बहुत बधाई दी है और इस चैनल की ओर से हम आपको भी ईद की बहुत बहुत बधाई देते हैं। और अंत में निवेदन करते हैं आपसे, इस वीडियो को आप निरंतर लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना आप ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, इस वक्त तस्वीरों में आप देख रहे हैं जनपद बहराइच के कैसरगंज नगर पंचायत के अंतर्गत ऐनी से ये सभी पिक्चरें आप देख रहे हैं। फिरोज हसन साजू भैया के आवास पर आज ईद मिलन समारोह के अंतर्गत एक छोटा सा उत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं, लोग यहाँ उनके आवास पर पहुंच रहे हैं और अब हम आपको आगे ले जाएंगे तस्वीरों में। यहाँ निरंतर लोगों का आना शुरू हो चुका है। इस वक्त तस्वीरों में आप देख रहे हैं ये सभी मेहमान यहाँ पहुंच चुके हैं और दीपक सिंह की तस्वीरों के साथ हम आपको दिखा रहे हैं, जिगर अहमद जरवल से ताल्लुक रखते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं इस वक्त तस्वीरों में इनाया फातिमा, जो फिरोज हसन की बेटी है, इस वक्त तस्वीरों में आप देख रहे हैं बेटी को प्यार और दुलार दे रहे हैं लोग। तस्वीरों में इनाया फातिमा की तस्वीरों को आप देख रहे हैं, जो फिरोज हसन की बेटी है। आज ईदी पर भी काफी लोगों ने बेटी को पुरस्कार भी दिया। दोस्तों, इस वक्त तस्वीरें सभी ऐनी से आप देख रहे हैं। आप देख रहे हैं पप्पू भैया की तस्वीरों को आप देख रहे हैं, सलमान अली और पप्पू की तस्वीरों को आप देख रहे हैं, वो यहाँ पहुंच चुके हैं और एक दूसरे से गले लग करके ईद की मुबारकबाद दी है। दोस्तों, अब तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पर आने वाले काफी लोग हैं। दोस्तों, सभी लोगों का नाम लेना संभव नहीं है, लेकिन अब आप देख रहे हैं यहाँ पर गले लग करके कैसरगंज से संभावित चेयरमैन प्रत्याशी फिरोज हसन साजू भैया ने एक दूसरे को बधाई दी। अब आप देख रहे हैं प्रधान प्यारेपुर की तस्वीरों को आप देख रहे हैं, वो भी इस उत्सव के कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। पप्पू भैया से वो गले लग करके एक दूसरे को ईद की बधाई दे रहे हैं। आए हुए सभी मेहमानों का स्वागत, अभिनंदन, इस्तकबाल कर रहे हैं। साजू भैया की तस्वीरों के साथ आप देख रहे हैं डॉक्टर इमरान, जो जिला पंचायत सदस्य हैं, इन्हें भी ईद की मुबारकबाद दी गले लग करके। और अब आगे तस्वीरों में आप देख रहे हैं अमित श्रीवास्तव की तस्वीरों को आप देख रहे हैं, ये ग्रुपिंग की पिक्चर मैं आपको दिखा रहा हूं और अब हम आपको आगे ले जाएंगे। यहाँ पर आने वाले सभी मेहमानों को गुलाब का फूल देकर के उनका स्वागत, अभिनंदन, इस्तकबाल किया जा रहा है। ये सभी तस्वीरें आप देख रहे हैं आपस में चर्चा करते हुए फिरोज हसन साजू भैया, जो वरिष्ठ समाजसेवी हैं, वह
लोकप्रिय युवा नेता हैं, एनी से आप ताल्लुक रखते हैं तथा कैसरगंज नगर पालिका पंचायत जो बननी है उसके आप संभावित प्रत्याशी भी हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं गुलाब सिंह, वरिष्ठ पुलिस उप निरीक्षक कैसरगंज भी इस ईद मिलन उत्सव के कार्यक्रम में वो पहुंच चुके हैं। आप तस्वीरों में देख रहे हैं इस वक्त फिरोज हसन साजू भैया यहां उनका हाल चाल ले रहे हैं और एक दूसरे को ईद की बधाई दी, गुलाब का फूल देकर के गुलाब सिंह को बधाई दी। और अब आगे तस्वीरों में आप देख रहे हैं कैसरगंज से दैनिक जागरण के वरिष्ठ संवाददाता मनीष श्रीवास्तव एडवोकेट की तस्वीरों को आप देख रहे हैं, वो भी इस उत्सव के कार्यक्रम में मौजूद है दोस्तों। और एक गुलाब का फूल देकर के साजू भैया वरिष्ठ समाज सेवी ने स्वागत अभिनंदन इस्तकबाल किया दोस्तों। ये सभी तस्वीरें आप देख रहे हैं दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया है देवी पाटन मंडल का सबसे बड़ा व चर्चित यूट्यूब चैनल न्यूज न्यू इंडिया के साथ ये सभी तस्वीरें आप देख रहे हैं दोस्तों। इस वक्त आप देख रहे हैं दोस्तों अंजलि जो जिला पंचायत सदस्य के साथ शास्त्री जी को भी आप देख रहे हैं गुलदस्ता देकर के स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं साजू भैया वरिष्ठ समाज सेवी। और अब हम आपको आगे ले जाएंगे, जैसा कि हमने आपको बताया है अंजलि मिश्रा, अंजलि मिश्रा की तस्वीरों को आप देख रहे हैं जो जिला पंचायत सदस्य है हजूरपुर से आप ताल्लुक रखती है दोस्तों। और इस वक्त ये सभी तस्वीरें आप देख रहे हैं ईद मिलन उत्सव की, लाइक करते रहिए और इस वीडियो को आप निरंतर शेयर करते रहे, चैनल को भी सब्सक्राइब करना न